आज मैं आपको बताने वाला हूँ जावा का एक प्रोग्राम, वो है वाइल लूप का प्रोग्राम। बहुत लोग की क्यूरीज आ रही थी कि जावा पर कब वीडियोज आएगी, जावा पे कब वीडियोज आएगी, तो लीजिए जावा की वीडियो मैं अपलोड करना शुरू कर चुका हूँ। तो जिन्होंने पहले वीडियोज़ नहीं देखे हैं जावा के, प्लीज़ जाके प्ले लिस्ट पर चेक कर लीजिए, मैंने अच्छे अच्छे टॉपिक्स की वीडियो बना रखा है। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लूप का प्रोग्राम है ये, वाइल लूप का। एक्चुअली ये वाइल लूप का प्रोग्राम है, किस चीज़ का प्रोग्राम बना रहा हूँ पहले आपको मैं बता दूँ कि ये मैं 10 लाइन्स को प्रिंट करने का प्रोग्राम बना रहा हूँ। 10 लाइन्स को प्रिंट करने का प्रोग्राम है मेरा थ्रू वाइल लूप। तो वाइल लूप को मैं बेसिकली ये आपको बताना चाहता हूँ बेसिक रूप में कि आखिर हम वाइल लूप का यूज कैसे करते हैं और क्यों करते हैं और किस लिए करते हैं। तो वाइल लूप के थ्रू हम कितनी इजीली 10 लाइंस को प्रिंट कर सकते हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर करना क्या है, इंट आई इज इक्वल टू 1 ले लेना है। अगर उसके बाद भी आपको कुछ समझ में ना आए प्लीज़ मुझे कमेंट और इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्ट क्लिक कर कर करके वहाँ विजिट कर सकते हैं। आई इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू मैं यहाँ पे 10 ले ले रहा हूँ क्योंकि मुझे 10 लाइन्स तक प्रिंट कराना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे मेरा जो सिस्टम जो मैं यहाँ पे पुट कराऊंगा वो ये होगा कि वो 10 लाइन्स को प्रिंट करे थ्रू वाइल लूप। ठीक है, इजिली 1 to 10 चले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन्स। तो इसी तरीके से वाइल लूप के थ्रू आप कितनी आसानी से ये 10 लाइन्स को प्रिंट कर सकते हैं। और आपसे इस प्रोग्राम से ये भी समझ पाएंगे कि आखिरकार हमें वाइल लूप यूज कहाँ करना पड़ता है। ठीक है, देखिए अभी आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देख रहे हैं अब मैंने कर दिया, अब यहाँ पर मुझे एक इंक्रीमेंट दे देना है, प्लस 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 आई, डन, प्रोग्राम बन गया। मैं ये इतना छोटा प्रोग्राम इसलिए आपको समझा रहा हूँ बिकॉज कन्फ्यूजन होती है कि हम लोग सबसे पहले प्रॉब्लम स्टूडेंट को ये हो जाती है कि हम व्हाइल लूप यूज करें कहाँ पे, इससे व्हाइल की कंडीशन जा सकती है क्या। इसलिए मैं शॉर्ट प्रोग्राम बताया हूँ कि आप समझ जाओ कि हाँ यहाँ पे व्हाइल लूप प्रोग्राम यूज कर सकते हैं, यहाँ पर हम इसे यूज कर करके बहुत आसानी से प्रिंट करा सकते हैं। दैट्स वाई मैं छोटा प्रोग्राम बनाया। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बड़ा प्रोग्राम के अंदर व्हाइल लूप चला के भी दिखा दूंगा। सो प्लीज़ इस चैनल पर बने रहें और सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखिए अब मैं इसमें सेव कर चुका हूँ। अब हमें क्या करना है, हमें CMD पे जाना है। ठीक है, CMD पे जाने के बाद पहले तो हमें अपना जो पाथ जहाँ हमने सेट कर रखा है वो सब कुछ फाइल जहाँ सेव रखा है वो सब कुछ यहाँ पुट कर देंगे। अब यहाँ पे हमको करना क्या है, जावा सी कंपाइल करने के लिए फाइल का नाम है k1.java। बता रहा है कि एक एरर है, अब एरर को हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक और नहीं दिया, इसको फिर से सेव करते हैं, अल्ट टैब करते हैं और कंपाइल करने के बाद देख रहे हैं प्रोग्राम इजीली कंपाइल हो चुका है। अब हमें रन करना, रन होने के लिए रन करने के लिए एक चीज़ आपको पता होता है कि हम जो यहाँ पर क्लास का जो नेम रखते हैं वही हमको वहाँ पुट करना होता है, तो हम वही पुट करेंगे और स्मॉल कैपिटल का भी इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए line 1, line 2, line 3, line 4, line 5, line 6, line 7, line 8, line 9, line 10। तो यही मैं बताना चाहता था कि इस छोटे से प्रोग्राम के थ्रू कि आखिर आप ये समझ सको कि वाइल लूप का यूज होता कहाँ पे है, हमें यहाँ पर ये वाइल लूप का कंडीशन यूज करना चाहिए या नहीं। ये आपकी छोटी सी प्रोग्राम से आपका ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। अगर इसके बाद भी अगर क्लियर नहीं हुआ तो कमेंट में मुझे बताइए और इंस्टाग्राम पे भी मुझे आप DM कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।